guys, my name is Sohail Raza and you are watching my channel Raza Refrigeration in YouTube. So guys, आज का वीडियो जो है लॉयड का जो सिंपल एसी होता है नॉन इन्वर्टर एसी उसके रिमोट का मैं डेमो दे रहा हूँ आपको बहुत ही सिंपल भाषा में और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा मेरा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल में जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और बेल आइकन दबाने पे आपको जो हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहेगी वीडियो की वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं और आपको सिंपल भाषा में आपको रिमोट का डेमो देते हैं। तो गाइस हम रिमोट के पास आ गए हैं, लॉयड का रिमोट आ गया है हमारे पास और अब हम तो बताते हैं जो ये आप जो देख रहे हैं पिंक लाइट जो है ये 1/0 जो दिख रहा है ये हमारा पावर बटन है, ये इससे आप एसी को ऑन कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ऑन कर लिए अभी रिमोट को, दूसरी चीज़ सबसे सोचने वाली बात ये रहती है जो टेम्परेचर बटन रहती है वो थोड़ी सी बड़ी रहती है रिमोट में। ये देखिए इसमें आपका टेम्परेचर गिरेगा कम होगा और इसमें बढ़ेगा, ये देखिए ये दो बटन जो है ये टेम्परेचर की बटन है। टेम्परेचर कैसे आप सेट कर सकते हैं, हाइएस्ट का 31 है और 31 से आप जितना कम करते जाएंगे उतनी आपकी कूलिंग बढ़ जाएगी। देखिए इसमें हाईएस्ट जो है 16 है, लेकिन मेरा सजेशन आप अगर मानेंगे तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप 26 के ऊपर आप अगर टेम्परेचर रखते हैं एसी का, जैसे 26 भी आप मान लीजिए टेम्परेचर रखते हैं, तो इसमें होता ये है गाइस कि एक तो हमारी एनर्जी बच जाती है और दूसरा कि हमारा हमको मतलब बॉडी में इफेक्ट नहीं कर पाती, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है 26 अगर रूम में रखते हैं टेम्परेचर। और 26 में अगर आपको ठंड लग रही है तो आप इसको 27 कर सकते हैं, 27 में हमारी बॉडी के लिए एकदम प्रॉपरली कूलिंग आएगी और ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता एसी। एसी में भी थोड़ी सी क्या होता है कि बॉडी को थोड़ा सा इफेक्ट करता है एसी, जैसे जॉइंट पेन वगैरह ये होता है। और जैसे आप मतलब एजेड हैं और आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप 28 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गाइस मैं आपको बता दिया हूँ, आप 26 या 31 जितना आप नीचे जा देंगे 16, इसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कूलिंग करती है, पावरफुल कूलिंग हो जाती है एसी की। और अब मैं आपको बताता हूँ ये टेम्परेचर की बटन हो गई है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ ये फ़ैन स्पीड है, ये यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए अब ये ब्लिंक हो रहा है फ़ैन स्पीड में, ये ब्लिंक हो रहा है। ब्लिंक होने का मतलब ये है गाइस कि ये आपका फ़ैन जो इनडोर यूनिट से जो हवा आ रही है आपके सामने वो स्पीड है, ये स्पीड इसलिए हो रहा है कि ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में क्या होता है गाइस कि जो हमारी एयर जो आती है वो कभी अप डाउन कभी जैसा एसी की मर्जी रहे ऑटोमेटिक वो फ़ैन स्पीड कभी लो कभी हाई ऐसा करेगा। उसके बाद आप अगर मैनुअली फ़ैन स्पीड को चेंज करना चाहते हैं तो देखिए ये पहला डॉट आया है ये लो है फ़ैन लो स्पीड और ये मीडियम स्पीड, जैसी आपको हवा चाहिए उस हिसाब से ये सेट हो जाएगा। और ये आपकी थर्ड जो स्पीड है वो हाई स्पीड है, जो फ़ैन जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में है। इसमें क्या होता है अगर हाई स्पीड रखने में आपको मतलब जल्दी कूलिंग का एहसास होगा, और अगर आप इसको ज़्यादा आपको प्रॉपर एकदम ज़्यादा स्पीड की हवा नहीं चाहिए तो इसको आप लो कर सकते हैं। तो ये आपकी चार स्पीड आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये ऑटोमेटिक है लो मीडियम और ये हाई, तो आपको हाई रखना है। अगर आपको प्रॉब्लम है डायरेक्ट हवा से तो आप इसको कम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्टिकल में होता है गाइस जो आपका स्विंग पट्टी जो रहती है जो अप एंड डाउन होती है जो आप देखें एसी के सामने जहाँ से हवा निकलती है उसके लिए। वर्टिकल करने में क्या होता है यहाँ पर आपको दिखाते जाएगा सिंबल कि आपका स्विंग एयर स्विंग कहाँ पर है। एयर स्विंग देखिए इसमें आप देख रहे होंगे ये देखिए कहाँ कहाँ आपको रखना है। और इसमें एक फंक्शन ये है ऑटोमेटिक स्विंग में ये होता है कि आप इसको मैनुअली सेट नहीं कर सकते, वो अप एंड डाउन होता रहता है। अप एंड डाउन फ़ायदा ये रहता है गाइस कि बहुत जल्दी कूलिंग प्रॉपर कूलिंग आपका एसी कर लेता है और अप एंड डाउन ही रखना ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको डायरेक्ट हवा नहीं चाहिए और इसको स्विंग को ऊपर चाहिए तो ये देखिए एक बार दबाएंगे आपकी फ्लैप जो है पूरी ऊपर चली जाएगी। दूसरी चीज़ ये है गाइस ये जो अंदर भी फ्लैप रहता है स्विंग के अंदर भी ना आप अभी जो मॉडल आ रहे हैं उसमें होता यह है कि अंदर भी एक स्विंग फ्लैप रहता है, वो क्या है अंधेरी की वजह से दिख नहीं पाता है। अगर आप पास से जाके उसको देखेंगे तो आपको अंदर का स्विंग भी दिखेगा। उसमें भी गाइस ये देखिए इसमें इंडिकेट दिखा रहा है आपको किस डायरेक्शन में चाहिए, और एक डायरेक्शन ये होता है कि अप एंड डाउन ऐसा वाला स्विंग काम करता है। और ये हो गया आपका ये दो बटन मैंने आपको बता दिए। और ये है गाइस ऑपरेशन मोड का मीनिंग ये है गाइस ये देखिए ये सर्कल आप देख रहे होंगे छोटा सा सर्कल, ऑपरेशन मोड को आप जैसे ही दबाते हैं ये देखिए पानी की बूंद जो बनी है ये ड्राई है,
ये बरसात के मौसम में चलती है, चलाना पड़ता है गाइस इसको, जैसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गया और रूम में ज़्यादा मतलब बैठने में दिक्कत हो रही है और चिपचिपी गर्मी हो रही है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें यूज़ करने में गाइस होता ये है कि मशीन ऑटोमेटिक ड्राई मोड में चले जाती है, इसमें आप टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते। फिर आप जाएंगे गाइस, ये फैन मोड है, फैन मोड में भी आप टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते। फैन मोड का काम ये है गाइस कि आपका इंडोर यूनिट टोटली मतलब समझ जाइए आपके रूम में फैन का काम करेगा। जैसे ठंड का मौसम है और आपके रूम में मान लीजिए एयर मतलब फैन नहीं, सीलिंग फैन अगर आपके रूम में नहीं है और आपके यहाँ एसी है, अब आप सोच रहे हैं कि अब एसी है तो वो कूलिंग ही करेगा, तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि सभी एसी में फैन मोड रहता है, इसमें कूलिंग नहीं करेगा सिवाय बस आपका मान के चलिए हवा जो फेंकेगा। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट, ये हीट मोड है, ये आप देख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा हीट मोड है, लेकिन अभी क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा टेम्परेचर नहीं रह पाता कि एकदम ज़्यादा जो ठंड वाला कश्मीर वाला मौसम नहीं रहता है कि 8 महीना 9 महीना जैसे ठंडी का मौसम आ गया और बर्फ़ गिर रही है, तो गाइस हीट मोड यहाँ पर एसी में नहीं आता है, तो हीट मोड का कोई भी काम नहीं है इस रिमोट में। फिर चलते हैं, फिर एक बार दबाते हैं ऑटो, ऑटो लिखा हुआ है, देखिए ऑटो में भी आप, मैं बता दूं आपको, आप इसमें भी टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते हैं, वो मशीन जो है अपने हिसाब से प्रॉपर कूलिंग करेगी। और आप अगर कूल मोड में रखते हैं आपकी एसी को, तो ये सारे जो बटन हैं सारे बटन वर्क करेंगे। तो गाइस ये 3 बटन मैंने आपके ऊपर की बता दी है, अब मैं आपको बता दूँ, देखिए टर्बो है, टर्बो जो लिखा हुआ है गाइस इसमें ये होता ही है, देखिए थोड़ा बिजली टाइप का थोड़ा सा वो आ जाता है इसमें सिंबल, और इसमें आपकी मशीन जो है हाई स्पीड में रनिंग करने लग जाती है। हाई स्पीड में रनिंग करने में फ़ायदा एक ये होता है कि जैसे आप बाहर से आ रहे हैं गर्मी से, आप रूम में आ रहे हैं, अब आपको जल्दी पावरफुल कूलिंग चाहिए, रूम एकदम तुरंत ठंडा चाहिए, तो आप इसका टर्बो का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। उसके बाद ये टाइमर है गाइस, टाइमर आपको देखिए इसमें दबाते जा रहा हूँ, छोटा सा लिखा हुआ है टाइमर, ये देखिए 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा 10 11 12 13, ये 24 घंटे का टाइमर है आपका। जैसे आप मान के चलिए आप अगर सो रहे हैं और आपको एसी बंद करना है, तो आप इसको टाइम सेट करते हैं। टाइम सेट करना बहुत ही सिंपल है गाइस, टाइमर जैसे ही आप ऑन करेंगे 1 घंटा तुरंत सेट हो जाएगा आपका, और जैसे ही आप इसको बढ़ाते जाएंगे वो आपका टाइम बढ़ते जाएगा, और आपको ऑफ करना है तो इसको कम से कम आपको 24-25 बार दबाना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। और दूसरी चीज़ गाइस, जैसे हमारे एसी में जो टेम्परेचर शो करता है लॉयड के एसी में 24 21 जो भी है टेम्परेचर आप सेट करते हैं और शो करता है लाइट, और आपको प्रॉब्लम है रात में अंधेरे में सोने की आदत है और उसको बंद करना है डिस्प्ले को, तो ये डिस्प्ले का बटन है, डिस्प्ले का बटन दबाने पे होता ये है गाइस इंडोर यूनिट का जो टेम्परेचर है वो प्रॉपरली बंद हो जाएगा, लेकिन एसी जो है वो जैसा आप जो टेम्परेचर आप सेट करोगे उसमें चलते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये डिस्प्ले की लाइट बंद करने के लिए ये ऑप्शन है। तीसरा गाइस ये है कि ये स्लीप मोड है, स्लीप मोड में आप जैसे ही करते हैं गाइस तो यहाँ चांद का सिंबल आ जाता है। चांद का सिंबल ये है गाइस कि जैसे हाई स्पीड जैसे फैन अपना चल रहा है, जैसा एसी साउंड कर रहा है, तो स्लीप मोड दबाने में होता ये है गाइस कि हमारा एसी जो है वो साइलेंट चलता है, नींद में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। स्लीप मोड लगाने का फायदा ये है कि आपका एसी साइलेंट चलेगा। ये हमारी यहाँ तक की पूरी बटन कंप्लीट हो गई है, और फैन स्पीड भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये ऑक्स हीट जो बटन है और लाइट वेव जो है, ये अभी तक एसी ने लॉन्च नहीं किया है, ये बटन एक्स्ट्रा दी गई है, तो इसका कोई काम नहीं है। और उसके बाद आप बता रहा हूँ प्लाज़ा क्लीन, क्लीन प्लाज़ा जो प्लाज्मा लिखा हुआ है, जो क्लीन प्लाज्मा जो लिखा हुआ है, इसका क्या रहता है गाइस, अंदर एसी के फिल्टर रहता है, फिल्टर डस्ट आने पे क्या है वो एसी जो है वो ब्लिंक करने लग जाता है कि आपका एसी में डस्ट आ गया, फिल्टर में डस्ट आ गया, सीएल करके उसमें सिंबल आ जाता है सी, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप अपने एसी के फिल्टर को साफ करिए, लेकिन फिर भी अगर आपका वो सिंबल आता है तो इस बटन को आपको प्रेस करना है। इस बटन को प्रेस करने में ये होगा गाइस, जो एरर जो आएगा CLAC में लिख के वो आना बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, सो गाइस ये आखिरी बटन जो है हमारे आयनाइज़र है, इस ये भी आपका जो कार्बन फिल्टर जो रहता है, छोटे छोटे जो फिल्टर रहते हैं वो उसके लिए है, जैसे वो आपको क्लीन करना है तो इसको दबाना पड़ेगा आपको। और तीसरी लास्ट बटन जो आपको बता दूँ, फ्रेश एयर, फ्रेश एयर का काम ये होता है गाइस, रूम में वही वही स्मेल आती है, जैसे स्मेल आप कुछ सामान रख लियो, एसी उसको सर्कुलेट करता है और आपको फ्रेश एयर चाहिए, तो थोड़ा देर आप दरवाज़ा खोल दें अपने रूम का और ये फ्रेश एयर की बटन दबा दें। फ्रेश एयर दबाने में होगा गाइस ये कि आपके एसी में पत्ते मतलब जो पत्ती रहेगी उसका सिंबल आ जाएगा, और आपकी थोड़ा थोड़ा 5 मिनट में आपका जो एसी है जो फ्रेश एयर
डालेगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके।